इट वॉज़ अ ब्यूटिफुल संडे मॉर्निंग एंड आई वॉज स्लीपिंग लाइक अ लॉग। वैसे हमें संडे को भी कोई हॉलीडे नहीं मिलता है, बट स्टिल कंसल्टेंट डॉक्टर्स भी संडे के मूड में थोड़ा रिलैक्स रहते हैं, तो हमें भी एक आध घंटा टाइम एक्स्ट्रा मिल जाता है मॉर्निंग में। एंड सडनली मोबाइल में अलार्म की जगह कॉल की टोन ने मेरी नींद तोड़ दी। सर कौन सा सर? ठीक है सर, मैं अभी ब्रश एंड ब्रेकफास्ट करके पहुंच जाता हूँ फटाफट। ओके सर, ठीक है, बाय। इट वॉज अ कॉल फ्रॉम माई सीनियर फॉर इमरजेंसी ऑपरेशन। आई क्विकली गॉट अप एंड वाइल डूइंग ब्रश अगेन रिसीव्ड अ कॉल। सो ब्रेकफास्ट करने का भी टाइम नहीं था एज पेशेंट ऑलरेडी ओटी में शिफ्ट हो चुका था। फॉर्चुनेटली ब्रश करने का टाइम मिल गया, उतना अच्छा था। यस, संडे मॉर्निंग का ऐसा स्टार्टिंग बिल्कुल ही नॉर्मल है हमारे लिए। आई क्विकली रीच टू द हॉस्पिटल। वाइल वॉकिंग थ्रू द कॉरिडोर्स आई ब्रीफली रीड अबाउट द डिसीज एंड द ऑपरेशन। करंटली आई एम पोस्टेड अंडर ऑन्को सर्जरी, यानी कि कैंसर के सर्जन का डिपार्टमेंट। पेशेंट को ब्लीडिंग फाइलोइड ट्यूमर था। फाइलोइड ट्यूमर ब्रेस्ट की एक गांठ होती है जो मोस्टली नॉन कैंसरस होती है। कैंसर की ना होने के बावजूद उसकी साइज बहुत बड़ी होती है, एंड सो पूरी ब्रेस्ट को ही निकाल देना पड़ता है रादर देन जस्ट ट्यूमर एक्सीजन। एंड इसमें तो ट्यूमर ने स्किन पर अल्सर कर दिए थे जिसमें से ब्लीडिंग हो रहा था, सो इट वॉज अ काइंड ऑफ सेमी इमरजेंसी। एंड सो संडे मॉर्निंग थी, फिर भी एवरीबडी वॉज ऑन देयर फीट फ्रॉम देयर स्लीप। फटाफट कपड़े चेंज करके अपना सूट यानी कि स्क्रब्स पहन लिए। मेरा अलार्म एक घंटे बाद बजने वाला था, बट वो जब ओटी में ऑपरेशन का इंसिजन लगने वाला था तब बजा। यू नो सर्जन लाइफ, इमरजेंसी ऑपरेशन कभी भी आ सकता है। एंड वी स्पेंट नाइट्स एंड नाइट्स ऑपरेटिंग ऑन द पेशेंट्स एंड माई सीनियर्स डिड द ऑपरेशन। वी रिमूव्ड होल ऑफ द ब्रेस्ट एंड ऑल्सो वी डिड एक्सिलरी डिसेक्शन एज पेशेंट को एक्सिलरी लिम्फ नोड्स भी थे। इट टुक ऑलमोस्ट 3 आवर्स एंड अराउंड 12:30 मैं रूम पर वापस आया। आई वॉज वेरी हंग्री एज अगली रात से मैंने कुछ खाना खाया नहीं था, सो आई क्विकली टुक शावर एंड देन एट द लंच। एज इट वॉज मोर देन 7 डेज, टूडे वॉज द डेड लाइन टू अपलोड द वीडियो जो कि ऑलरेडी एडिटेड था। मैंने क्विकली फिनिशिंग दे दिया एंड देन आफ्टर एक्सपोर्ट आई स्टार्टेड अपलोडिंग इट। मैं शूटिंग के अलावा सब कुछ, एडिटिंग से लेकर अपलोडिंग तक, सब कुछ मोबाइल से ही करता हूँ, बिकॉज आज संडे था तो टाइम मिल गया, बाकी यूजुअली टाइम नहीं होता है। सो हॉस्पिटल में फ्री टाइम में भी थोड़ा बहुत काम साइड बाय हो जाता है। एंड थैंक्स टू सम गुड एप्लीकेशंस इन द मोबाइल बिकॉज ऑफ विच आई कैन कैरी ऑन स्मूथ वर्किंग फ्लो। वीडियो एक्सपोर्ट करके अपलोड होकर पब्लिश करने में ऑलमोस्ट 2-3 आवर्स का प्रोसेस होता है। एंड आई ऑल्सो हैज अ शूटिंग प्लान फॉर द नेक्स्ट वीडियो बाय द इवनिंग, सो आफ्टर अपलोड इमीडिएटली आई रॉट द सुपरफिशियल स्क्रिप्ट एंड पॉइंट्स फॉर द नेक्स्ट शूट। इट वॉज अबाउट द नीट यूजी वॉल एंड एवरीथिंग। यस, द लास्ट वीडियो ऑन दिस चैनल विद द वेरी वेल नोन मेडिकल यूट्यूबर एंड स्टार अनुज पचेल। सो आफ्टर कम्प्लीटिंग सम बेसिक सेटअप मैंने अनुज के साथ एक ट्रायल वीडियो टॉक किया। बातों बातों में बहुत सारी बातें हो गई। मैंने उसको स्पॉन्सरशिप्स, सोशल मीडिया हैंडलिंग एंड रिलेटेड चीज़ों के बारे में पूछा कि हाउ ही हैंडल एट सच अ बिग स्केल, बिकॉज मेरे 5,000 सब्सक्राइबर्स थे तब से ही बहुत सारे स्पॉन्सरशिप्स एंड प्रमोशनल ऑफर्स आ रहे हैं, बट मैंने आज तक कोई भी एक्सेप्ट नहीं किया क्योंकि एक तो मुझे आप सबकी बहुत वैल्यू है। आई डोंट वॉन्ट टू मिस गाइड यू पर्टिकुलरली फॉर एजुकेशनल थिंग्स। मैंने जो यूज़ किया है एंड और मुझे जो जिन्यूनली अच्छा लगता है वही मैं आपको सजेस्ट करता हूँ एंड होपफुली करता रहूँगा। ऑल दो आई एम नॉट थिंकिंग ऑफ टेकिंग सम प्रमोशंस, बट फॉर योर स्टडीज़ आई विल नेवर मिस गाइड यू फॉर फ्यू बक्स ऑफ मनी। तो अनुज से मैंने इन सब चीज़ों पर थोड़ी इंसाइट्स ली एंड देन हमने वो सेशन शूट किया। इट वॉज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस टू शूट माई फर्स्ट कोलाब वीडियो ऑन यूट्यूब। आई गॉट टू नो अबाउट मैनी टेक्निकल थिंग्स अबाउट दिस टाइप ऑफ वीडियोज। ऑब्वियसली हमने बहुत सारे क्वेरीज पर ग्राउंड रियलिटीज़ एंड प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस पर बातें की है। वीडियो थोड़ा लंबा है एंड अगर आप पूरा देखोगे तो ही काम का है, सो मेरे गाइडेंस पर अगर ट्रस्ट है तो एक घंटा निकाल के उसको जरूर देख लेना। शूटिंग कम्प्लीट होने के बाद फाइनली आई फेल्ट समवट रिलैक्स्ड एज मेजर प्रायोरिटी लिस्ट कम्प्लीट हो चुका था। ओटी हो गई थी मॉर्निंग में, वीडियो एडिट होकर अपलोड भी हो चुका था एंड एक बहुत ही हेल्पफुल सेशन भी शूट हो चुका था। सो नाउ आई कॉल टू माई फियांसे। टॉकिंग विथ हर ऑलवेज फील्स मी अप विथ एनर्जी एंड पॉजिटिविटी एंड पूरे दिन की थकान उस पॉइंट पर उतर जाती है। वी हैव डिस्कस्ड सम रैंडम थिंग्स एंड ऑल्सो प्लान्स फॉर द रिमेनिंग ऑफ द डे, ऑल्दो मेरे कोई मेजर प्लान्स नहीं थे चिलिंग करने के अलावा। उसके बाद मैंने अपने पेरेंट्स से भी बात की। यूजुअली मैं उनसे डिनर करते टाइम पे बात करता हूँ, लेकिन आज डिनर के लिए कुछ अलग प्लान था तो मैंने साथ में वो भी कर लिया। देन आई वेंट टू अवर कैंपस एंड फ्रॉम देयर हम 3 फ्रेंड्स डिनर के लिए गए। इट वॉज संडे इवनिंग सो टिफिन नहीं आने वाला था एंड सो कभी कभी ऐसे बाहर जाने का प्लान लाइफ को थोड़ा चिलिंग बना देता है। वी वेंट टू वन रेस्टोरेंट इन द जोधपुर एंड एट वेरी डिलीशियस फूड देयर। पेट तो भैया इतना फुल हो गया था कि अब चलने की भी हिम्मत नहीं आ रही थी, बट स्टिल घर तो जाना ही था। घर आके मैंने आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स के रिप्लाइज दिए। दिन के एंड में हर रोज़ आपके कमेंट्स पढ़ के ऐसा लगता है कि नहीं यार,
ये सारी मेहनत वसूल है। किसी के लाइफ को गाइड कर पाना एंड उसमें कुछ पॉजिटिव वैल्यू ऐड करने से ज़्यादा ब्यूटीफुल क्या हो सकता है। यहाँ पर दिन ख़त्म नहीं हुआ है, लेकिन एक मूवी देखनी थी, बहुत टाइम से इच्छा थी, मोबाइल में लेके भी रखी थी, बट टाइम एडजस्ट नहीं हो रहा था। आज तो मन बना लिया कि देख ही लेते हैं भैया, संडे इतना चिल किया है तो थोड़ा और, एंड आई स्टार्टेड द मूवी। बट सैडली इन बिटवीन द मूवी आई डोंट नो व्हेन आई स्लेप्ट विद द मूवी स्टिल गोइंग ऑन। अचानक से एक लाउड आवाज़ आई एंड मैं जग गया। फॉर्चुनेटली इट वॉज सम ब्लास्ट टाइप आवाज़ फ्रॉम द मूवी इटसेल्फ, एंड तब मुझे पता चला कि भाई साहब हम तो सातवें आसमान में टहल रहे थे। तो मैंने फिर मूवी की जगह वही मुनासिब समझा एंड सब कुछ बंद करके सेटल करके फिर से सातवें आसमान तक पहुँच गए, एंड अगेन मूवी अधूरा ही छूट गया। इट वॉज स्टिल अ वेरी कैजुअल डे एज आई एम नॉट इन माई डिपार्टमेंट एंड पोस्टेड इन पेरीफेरल, यानी कि ऑन्को सर्जरी डिपार्टमेंट। अदरवाइज वी डोंट हैव सो कैजुअल संडेज लाइक दिस। एनी वे आई एन्जॉय एवरी पार्ट एंड मोमेंट ऑफ माई लाइफ, बी इट एन इमरजेंसी ऑपरेशन, शूटिंग एंड एडिटिंग ऑफ द वीडियोज, और स्टडिंग एंड लर्निंग अबाउट द सर्जरीज, एंड आई विश यू द सेम मोमेंट्स इन योर लाइफ टू। बार बार मेरे वीडियोज़ देखने आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नए वीडियो में और भी ज़्यादा एनर्जी के साथ।